फेसबुक में प्राइवेसी सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने फेसबुक में कुछ प्राइवेसी सेटिंग करके उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सोनू। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि फेसबुक में क्या क्या प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं। चलिए, मैं अभी अपने फेसबुक में लॉगिन हूँ। मैं यहाँ पर आपको प्राइवेसी सेटिंग कैसे करते हैं बता दूँगी। राइट साइड में एक क्वेश्चन मार्क होता है, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे प्राइवेसी चेकअप है और एक प्राइवेसी शॉर्टकट है। ये एक शॉर्टकट तरीका है प्राइवेसी सेटिंग करने का। पहले आप प्राइवेसी चेकअप में क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे हु डू यू वांट टू सी योर नेक्स्ट पोस्ट, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं पब्लिक, फ्रेंड्स, या मोर पे जाएंगे तो ओनली मी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स रखी हूँ। जो भी मेरे पोस्ट में अपलोड करूँगी वो मेरे फ्रेंड्स को सिर्फ दिखेगा। आप चाहे तो उसको ओनली मी भी कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ कुछ ऐप्स आएंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं। आपका फ़ोन नंबर जो आप डाले हैं फेसबुक में वो किसको शो करेगा आप यहाँ चेक कर, मतलब आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स हैं, पब्लिक है, ओनली मी है, तो अब मैं यहाँ पे ओनली मी डाली हूँ। आप भी इसको ओनली मी रख सकते हैं अगर प्राइवेसी सेटिंग का स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। आप अपना ईमेल आईडी भी प्राइवेसी प्राइवेट रख सकते हैं, ओनली मी में रख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका होम टाउन। इसके बाद में फिनिश करके क्लिक कर लीजिए और नेक्स्ट क्लोज कर दीजिए। ये है प्राइवेसी सेटिंग का प्राइवेसी चेकअप। यहाँ पे और एक ऑप्शन है प्राइवेसी शॉर्टकट्स। ये प्राइवेसी शॉर्टकट के बारे में थोड़ा मैं इधर बता दूंगी, फिर डिटेल में हम लोग प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके कैसे सेटिंग्स करते हैं हम लोग जान लेंगे। प्राइवेसी शॉर्टकट में यहाँ पहला है हु कैन सी माई स्टफ, मतलब जो भी मैं अपलोड करूँगी, जो भी मैं पोस्ट करूँगी वीडियोस या फोटोज़, वो कौन देखेगा, वो फ्रेंड्स या पब्लिक या ओनली मी। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे पब्लिक है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक्सेप्ट, मतलब जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको कुछ भी आपका फेसबुक का एक्टिविटी नहीं शो करना चाहते हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप चाहे तो ओनली मी क्लिक कर सकते हैं या फ्रेंड्स क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हु कैन कॉन्टेक्ट मी। ये हु कैन कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट मी में जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड से आएगा या पब्लिक से आएगा। एवरीवन का मतलब है कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है आपका फेसबुक के आईडी के नाम के ज़रिए। यहाँ पे आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स जो हैं एफबी में उनके फ्रेंड्स ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। और नेक्स्ट है हाउ डू आई स्टॉप समवन फ्रॉम बॉदरिंग मी। इसका मतलब है आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं या आप किसी से परेशान हैं उनके मैसेजेस या कमेंट से, आप उनको यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं उनके लिए। उसके लिए आप यहाँ पे उनका नाम लिखना ज़रूरी है या उनका प्रोफाइल आईडी, एफबी का एक प्रोफाइल आईडी नाम जो रहता है वो प्रोफाइल आईडी इधर लिख दीजिए या ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद में ब्लॉक करके क्लिक कर लेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये है प्राइवेसी सेटिंग का शॉर्टकट। अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल का मार्क है, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे सेटिंग्स। फिर एक विंडो ओपन होगा, यहाँ पे प्राइवेसी और टाइमलाइन एंड टैगिंग करके एक दो ऑप्शन रहेगा। यहाँ पहले प्राइवेसी में क्लिक कर लीजिए। सेम टू सेम जहाँ शॉर्टकट में हम लोग हु कैन सी माई स्टफ में था, माय फ्रेंड्स कर ली, और नेक्स्ट है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, ये वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन यहाँ पे है। आपका फ्रेंड लिस्ट का मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनका लिस्ट कौन देख सकता है, आप उसको भी प्राइवेट रख सकते हैं। यहाँ एडिट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, वो पब्लिक या फ्रेंड्स या ओनली मी या कस्टम, आप उसको कस्टम करके सिर्फ आप चाहे तो अपने ऑप्शनल फ्रेंड्स को वो दिखा सकते हैं कस्टमाइज करके। मैं यहाँ पे ओनली मी रखी हूँ ये। और नेक्स्ट हु कैन कॉन्टेक्ट मी और हु कैन लुक मी अप, ये सेम टू सेम है जैसा शॉर्टकट प्राइवेसी में था वैसा ही है। और नेक्स्ट आता है टाइमलाइन और
टैगिंग के बारे में। एक मिनट, और यहाँ पे देखिए हु कैन लुक मी अप, ये जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस के ज़रिए कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, या आपका फ़ोन नंबर के ज़रिए कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। आप चाहे तो इसको और भी प्राइवेट रख सकते हैं, एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप उसको फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या एवरीवन रख सकते हैं। ये आपके ईमेल के ज़रिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगा। और दूसरा है आपका फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर ऐड करके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। और थर्ड वन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल। जैसे तो वैसे में हम लोग गूगल में ब्राउज करते हैं, सर्च इंजन में जो भी हम लोग सर्च करते हैं वो गूगल हमें दिखा देता है। अगर गूगल ब्राउज में या गूगल सर्च इंजन में आपका प्रोफाइल आईडी कोई सर्च कर रहा है तो उनको दिखेगा, अगर आपका प्राइवेसी सेटिंग नहीं होगा तो। तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे अलो सर्च है, अगर आप इसको राइट मार्क करेंगे तो जो भी सर्च करेगा वो उनको वहाँ पे आपका आईडी दिख जाएगा। आप इसको कभी भी राइट मार्क मत कीजिए, इसको निकाल दीजिए और यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिए। इसका मतलब ये रहता है जो भी गूगल ब्राउज या गूगल सर्च इंजन में आपका प्रोफाइल आईडी सर्च करेगा उसको ये नहीं दिखाई देगा। ये था प्राइवेसी सेटिंग के बारे में। और नेक्स्ट है टाइमलाइन और टैगिंग के बारे में। टाइमलाइन और टैगिंग में मेन इम्पॉर्टेंट है दो चीज़, दो ऑप्शंस मेन इम्पॉर्टेंट है, वो है हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। मतलब जो भी आपका फेसबुक का टाइमलाइन है, फेसबुक का वाल है, वहाँ पे कौन फोटोज़ टैग कर सकता है, कौन फोटोज़ डाल सकता है। आपको सिर्फ आपके फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के अपलोड्स देखना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स कर लीजिए, नहीं तो आप ओनली मी भी कर सकते हैं। और सेकेंड है रिव्यू पोस्ट फ्रेंड्स टैग यू इन बिफोर दे अपीयर ऑन योर टाइमलाइन। इसका मतलब है जो भी आपके फेसबुक वॉल पे या फेसबुक पे जो भी फोटोज या वीडियोस अपलोड करेगा या टैग करेगा, स्पेशली टैगिंग के टाइम पे आप उसको रिव्यू करके ही आप उसको परमिशन दे सकते हैं, आपके रिव्यू के बिना वो टैग अपीयर नहीं होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिट जाके उसको एनेबल कर दीजिए, मैं वैसे में एनेबल ही रखी थी, तो आप यहाँ पे एनेबल्ड उसको कर सकते हैं, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। ये मेन इम्पॉर्टेंट टैगिंग और प्राइवेसी का है। और नेक्स्ट है हु कैन सी थिंग्स ऑन माय टाइमलाइन। इसका मतलब ये होता है आपके जो टाइमलाइन में जो भी टैग होता है वो आप किसको दिखाना चाहते हैं, वो आप पब्लिक या फ्रेंड्स या ओनली में। आप एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एवरीवन मतलब पब्लिक, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स, या आप उसको ओनली में भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। कौन आपके टाइमलाइन पे दूसरों का पोस्ट देख सकता है, यहाँ पे भी आप एडिट पे जाके उसको एवरीवन रख सकते हैं या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रख सकते हैं या फ्रेंड्स रख सकते हैं या ओनली मी भी कर सकते हैं। और थर्ड है हाउ कैन आई मैनेज टैग्स पीपल एंड टैगिंग सजेशंस। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, रिव्यू करके आप उसको टैगिंग के लिए परमिशन दे सकते हैं। ये था प्राइवेसी सेटिंग के बारे में और टाइमलाइन टैगिंग के बारे में। ये इतना प्राइवेसी सेटिंग आप अपने FB में प्राइवेट मेंटेन करना चाहते हैं तो ये आपको सेटिंग्स जान लेना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक देना ना भूलिए और प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले जो भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और मेरा वीडियोस देखने के लिए आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।